हेलो गाइस, वेलकम टू कुकटेरियन पॉल। और आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगती है खाने में, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है और अब हम देखते हैं इन्हें काटना कैसे है। इसके लिए पहले आप भिंडी के दोनों तरफ से साइड्स निकाल दें और भिंडी बड़ी है तो उसे दो टुकड़ों में काट लें और फिर इसे बीच में से हाफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इस तरह से, इससे आसानी से इसके सारे बीज निकल जाते हैं। बीज से ही भिंडी स्टिकी बनती है और इसमें कुरकुरापन नहीं आता। आप चाकू की मदद से या हाथों की मदद से भी बीज निकाल सकते हैं। यह हमारी सारी भिंडी में से बीज निकल गए हैं और अब हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 4 बड़े चम्मच बेसन। और यहाँ हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। याद रखें, हमें यहाँ नमक बिल्कुल नहीं डालना है, इससे भिंडी में मॉइस्चर आएगा और भिंडी लेस छोड़ेगी और कुरकुरी नहीं बनेगी। भिंडी को कुरकुरी बनाने के लिए हमें बेसन की 1/2 क्वांटिटी में चावल का आटा डालना होता है, जिससे कि भिंडी कुरकुरी बने। ये हमारी कुरकुरी भिंडी के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब इसे मिला लेते हैं भिंडी पर। पहले आप 1/2 मसाला भिंडी पर डालकर उसे अच्छे से भिंडी पर कोट कर लें। फिर बचा हुआ मसाला भी डाल लें और इसे अच्छे से मिला लें। ये मसाला भिंडियों पे अच्छे से लग गया है। अब भिंडी को जस्ट तलने से पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच नींबू का रस, इससे भिंडी में मॉइस्चर आएगा और इसका स्टार्च फूलेगा और मसाला भी थोड़ा स्टिकी हो जाएगा और भिंडी पे अच्छे से कोट होएगा। इससे भिंडी और भी कुरकुरी बनेगी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और सीधा इसे गरम गरम तेल के अंदर डाल देंगे और 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे भिंडी क्रिस्पी हो जाए। और 2 मिनट के लिए ही इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे भिंडी अंदर से भी पक जाए। हमें भिंडी को बहुत कम टाइम के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, वरना भिंडी का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और भिंडी हार्ड हो जाएगी। और बस यहाँ हमारी भिंडी भी गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा बैच डालने से पहले आप ध्यान रखना कि गैस की फ्लेम हाई हो, जिससे हमारा दूसरा बैच भी परफेक्टली कुक हो जाए। तो लीजिए, हमारी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।